नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूर्वी शुक्ला और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। बहुत से लोग फ्लाइट के समय सिक महसूस करते हैं। ये आम बात है क्योंकि कई लोगों को मोशन सिकनेस होती है, लेकिन आप इस वजह से खुद को बीमार महसूस कर रहे हैं क्योंकि बोर्डिंग से पहले आपने एयरपोर्ट पर मिलने वाले कुछ फूड खा लिए थे, तो आपको सतर्क होने की जरूरत है। जी हाँ, एयरपोर्ट पर कुछ ऐसे फूड होते हैं जो आपको बीमार कर सकते हैं। चलिए जानते हैं एयरपोर्ट पर मौजूद किस तरह के फूड खाने से बचना चाहिए। कच्चे फल और सब्जियाँ एयरपोर्ट पर ना खाएं। ये सुनकर बेशक आप चौंक जाएं, लेकिन ये सच है। दरअसल कच्चे फल और सब्जियों में बहुत से बैक्टीरिया होते हैं जो प्लेन में बैठने से पहले खाने पर आपको बीमार कर सकते हैं। पिज्जा भी एयरपोर्ट से नहीं खाना चाहिए। दरअसल एयरपोर्ट पर पिज्जा दिन भर रखा रहता है। यदि पिज्जा गलत टेम्परेचर पर रखा गया है तो ये खराब हो सकता है, नतीजन इससे आपके पेट को तकलीफ होगी। ये अच्छी बात है कि आप सलाद खाना चाहते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर मिलने वाली सलाद ना खाएं क्योंकि कच्चे फल और सब्जियों की तरह ही इनमें भी बैक्टीरिया होते हैं जो आपका पेट खराब कर सकते हैं। कैंडीज एयरपोर्ट पर खाना आपके लिए टेम्प्टिंग हो सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा कैंडीज खाने से आपकी सेहत खराब हो सकती है, जो कि फ्लाइट में आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। एयरपोर्ट पर मिलने वाले बर्गर पूरी तरह से कुक्ड नहीं होता, इससे आपका स्टमक अपसेट हो सकता है। बर्गर की तरह ही सैंडविच कई तरह के होते हैं, लेकिन ये बेहतर होता है कि आप इसे नज़रअंदाज करें, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि इसकी ब्रेड कितनी पुरानी है या फिर ये कितने दिन से बना हुआ रखा है। इसी तरह से फिश मीट जैसी चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि यदि ये गलत टेम्परेचर पर रखी गई हैं तो इनके खराब होने के पूरे चांस होते हैं, जो कि आपको बीमार करने के लिए काफ़ी है। यदि आप एयरपोर्ट पर कुछ खाना ही चाहते हैं तो आप जूस के टेट्रा पैक ले सकते हैं, बटर मिल्क, पैक्ड ड्राई फ्रूट्स और नट्स, रोस्टेड नमकीन ले सकते हैं। इसके अलावा हॉट मिल्क ले सकते हैं। फ्लाइट में बैठने से पहले ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप क्या खा रहे हैं और क्या नहीं। अगर आप इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो आपको डाइजेशन की फ्लाइट में दिक्कत हो सकती है। ये रिसर्च के दावे पर है। आप किसी भी सुझाव पर अमल या इलाज शुरू करने से पहले अपने एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम जल्द लौटेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए बोल्ड स्काई से।